पटना में लालू यादव की बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, गुलाम नबी आजाद शामिल हुए। रैली में लालू यादव ने किया नीतीश कुमार पर हमला, कहा तेजस्वी से जलते थे नीतीश, महसूस करते थे खतरा। लालू ने कहा नीतीश ने साथ दिया होता तो बिहार की बेटी बनती भारत का राष्ट्रपति, नीतीश पर लगाया दल बदलू होने का आरोप। रैली में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा आज से बीजेपी और नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तेजस्वी ने कहा शरद यादव को डराया गया कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने नीतीश और सुशील मोदी पर निशाना साधा, शंख बजाकर बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। पटना रैली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची, बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का नीतीश पर धोखा देने का आरोप, कहा बिहार की जनता के वोट को नीतीश ने बीजेपी को बेचा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने बीजेपी भगाने का नारा दिया, कहा सब मिल जाए तो मुल्क से बाहर होगी बीजेपी। अखिलेश ने कहा बीजेपी डिजिटल पार्टी है, इस वक्त टीवी पर रैली देखकर घबरा रहे होंगे बीजेपी के लोग। शरद यादव ने कहा यह आरजेडी की नहीं महागठबंधन की रैली है, दो महीने में बता दूंगा शरद यादव की जेडीयू असली है। आरजेडी की रैली में शरद यादव ने कहा देश भर में बनवाएंगे गठबंधन। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा आज ही पार्टी से बाहर हो जाएंगे शरद यादव। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा परिवार के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए लालू यादव रैली कर रहे हैं। आरजेडी की रैली को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने फ्लॉप शो बताया, कहा भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने की कोशिश है। पटना में आयकर गोलबंदर के पास आरजेडी समर्थकों की शरारत, नकली स्टेनगन के साथ सड़कों पर निकले। रेप केस में गुरमीत राम रहीम पर सजा के ऐलान से पहले किले में तब्दील हुआ रोता, कल दोपहर 2:30 बजे शुरू हो सकती है सजा पर सुनवाई। राम रहीम पर फैसले से पहले रोहतक में सुरक्षा कड़ी की गई, लेकिन सेना की तैनाती नहीं, उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत। राम रहीम को सजा सुनाने के लिए रोहतक जेल में ही अदालत लगेगी, सीबीआई के जज जगदीप सिंह कल सुनाएंगे सजा। जेल के कमरे को कोर्टरूम में के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले में सभी इंतजाम करने को कहा है। हाईकोर्ट ने जस्टिस जगदीप सिंह की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए, सोमवार को हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे रोहतक जेल। रोहतक में सुरक्षा बलों की 23 कंपनियां तैनात, आईजी नवदीप सिंह विर्क ने कहा 5 और कंपनियां पहुंचने वाली है। हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक जेल पहुंचेंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सीआईडी के आईजी, जेल और आसपास की सुरक्षा का जायजा लिया। सुरक्षा के लिहाज से जेल से 3 किलोमीटर का इलाका सील है, कल हरियाणा के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कल सजा सुनाए जाने के बाद डेरा की तलाशी ली जाएगी, डेरा संपत्ति की जानकारी 29 अगस्त को हाईकोर्ट को सौंपेगी सरकार। हरियाणा हिंसा के दौरान पंचकुला में 32 और सिरसा में 6 लोगों की मौत, 2 डेरा समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज। सिरसा में कल पूरे दिन जारी रहेगा कर्फ्यू, डिप्टी कमिश्नर प्रभजोत सिंह ने दी जानकारी। सिरसा के डिप्टी कमिश्नर ने कहा डेरा के भीतर समर्थकों की संख्या कम हो रही है, घर जा रहे लोगों की पुलिस मदद कर रही है। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में पहुंची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बच्चों को आश्रम से बाहर निकालने में मदद करेगी। सिरसा में आज 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई, दोपहर 12 बजे के बाद से कर्फ्यू फिर शुरू। सिरसा प्रशासन की मीडिया को सलाह, बिना सुरक्षा इंतजाम के डेरा में ना जाए। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में हालात सामान्य होने की कोशिश, फिरोजपुर और कैथल में कर्फ्यू हटाया गया। फरीदकोट में भी आज 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, 12 बजे के बाद फिर कर्फ्यू जारी। लुधियाना में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, एहतियातन शहर को अभी सील रखा गया है। दिल्ली से अंबाला के रास्ते कटरा जाने वाली रेल सेवा बहाल, हरियाणा के डीजीपी ने दी जानकारी। पानीपत में डेरा सच्चा सौदा के 8 समर्थक गिरफ्तार, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी। पानीपत से गिरफ्तार किए गए डेरा समर्थकों ने देश विरोधी नारे लगाए थे 20 अगस्त की घटना। हिंसा की घटनाओं पर मन की बात में पीएम मोदी ने दुख जताया, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं।
पीएम ने कहा सरकार हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी, दोषियों को सजा मिलकर रहेगी। पीएम ने कहा हर किसी को कानून के सामने झुकना होगा, संविधान ने हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार दिया है। पीएम मोदी ने कहा यह देश गांधी और बुद्ध का है, अहिंसा परमो धर्म इस देश की संस्कृति है। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ के बाद सफाई अभियान चलाने के लिए पीएम ने जमेताए उलेमाए हिंद की तारीफ की, कहा सफाई के जरिए एकता का संदेश। यूपी के रायबरेली में आरएसएस के दफ्तर पर हमला, कल रात कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ और आगजनी की। डोकलाम तनाव पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का बयान, चीन लगातार सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, ये चिंता का विषय है। आर्मी चीफ ने कहा चीन की हरकतों की वजह से आगे भी डोकलाम जैसी घटनाएं हो सकती हैं, सेना को सावधान रहना होगा। आर्मी चीफ ने कहा सेना ये ना सोचे कि डोकलाम जैसी घटनाएं आगे नहीं होंगी, ढील बरतने की जरूरत नहीं, हमेशा अलर्ट रहें। बेंगलुरु में रक्षा इकाइयों के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान, भारत की रक्षा तैयारियों से समझौता नहीं किया जा सकता। अरुण जेटली ने कहा मौजूदा भू राजनीतिक हालात में भारत संवेदनशील जगह पर है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा पुख्ता करनी है। पुलवामा में शहीद जवानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान, कहा हमें भारी धक्का लगा है लेकिन आतंकियों के खिलाफ अभियान रुकेगा नहीं। सीआरपीएफ के जवान मोहम्मद यासीन को श्रद्धांजलि दी गई, कल पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए थे। बारामूला लाया गया शहीद यासीन का पार्थिव शरीर, घर के बाहर अंतिम दर्शन के लिए भीड़ जुटी। सीआरपीएफ के शहीद जवान मोहम्मद यासीन की बहन ने कहा देश के लिए भाई की शहादत पर नाज। दिल्ली में सीआरपीएफ कांस्टेबल जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए थे। अहमदाबाद में शहीद कांस्टेबल दिनेश दीपक के घर मातम का माहौल, कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए थे। महाराष्ट्र के सतारा में शहीद कांस्टेबल रविंद्र बबन राव के घर पर मायूसी का माहौल, पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए थे। पुलवामा के फिदायीन हमले में शामिल तीनों आतंकी मारे गए, आतंकियों ने पुलिस लाइन पर हमला किया था। ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के चार और जम्मू कश्मीर पुलिस के चार जवान शहीद, पांच जवान घायल। जम्मू कश्मीर के रजौरी सेक्टर में पाकिस्तान के तीन रेंजर्स ढेर, सीमा पर बीएसएफ ने जानकारी दी। पाकिस्तान कई दिनों से उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, आरसपुरा में बीएसएफ जवान के अप्पा राव घायल हुए थे, उनकी हालत अभी स्थिर। डोकलाम में बीएसएफ के इंजीनियर रामदेव डाके शहीद, 10,000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज से निधन। महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले थे शहीद रामदेव, पैतृक गांव में आज होगा अंतिम संस्कार। रावलकोट में पाकिस्तान से आजादी के लिए प्रदर्शन, गिलगित और बाल्टिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप। बर्लिन में बलोच रिपब्लिकन पार्टी और छात्र संगठन का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, अकबर बुख्ती को श्रद्धांजलि दी गई। असम के मोरी गांव में बाढ़ से 274 गांव प्रभावित, अब तक 14 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी उफान पर, सागर बांध के 5 गेट खोले गए। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी, फसल खराब होने की आशंका से परेशान है किसान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, रामघाट के मंदिर डूबे, नदी पर बना छोटा पुल बह। लखनऊ में अग्रोहा मेले की तैयारियों को लेकर सम्मेलन में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र, हरियाणा में 5 अक्टूबर से अग्रोहा मेले का आयोजन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा अग्रोहा पूरे वैश्य समाज का है, ना कि सिर्फ अग्रवाल समाज का। झारखंड के जमशेदपुर में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ा, एमजीएम अस्पताल में 30 दिन में 52 बच्चों की मौत। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बच्चों की मौत पर सुप्रिंटेंडेंट का जवाब, कुपोषण की वजह से मौत। राजस्थान के कोटा में डेंगू और स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, एमबीएस अस्पताल में बिना मास्क और दस्ताने से काम कर रहे हैं कर्मचारी। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से 2 और मरीजों की मौत, अब तक इस बीमारी से 13 मरीजों की जान जा चुकी है। बिहार के सिवान में 13वीं मंजिल से 2 छात्र नदी में डूबे, एक की लाश मिली, दूसरे की लाश जारी। मध्य प्रदेश के सत्ता में खदान में डूबने से 2 लोगों की मौत, परिवार का ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस और सेना ने बम को विस्फोट करके डिफ्यूज कर दिया, 2 दिन पहले स्कूल के पास से बम मिला था। गया के महाबोधि मंदिर पहुंचे नेपाल के पीएम, पत्नी के साथ पूजा अर्चना की।
राजस्थान के माउंट आबू में खेत से 20 फीट लंबा अजगर मिला, विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। बुलंदशहर में दो जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़, चार बदमाश गिरफ्तार, कई भागने में कामयाब। बुलंदशहर में रंजिश की वजह से बदमाशों ने एक परिवार पर गोलियां बरसाई, 17 साल की छात्रा जख्मी, हालत नाजुक। रायपुर में यात्री का चालान काटने को लेकर के दो टीटी आपस में भिड़े, रेलवे ने एक को सस्पेंड किया। राजस्थान के दौसा में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, पड़ोसी के साथ शनिवार को झगड़ा हुआ था। बिहार के अररिया में SBI बैंक से 3,96,000 की लूट का CCTV वीडियो सामने आया, चौकीदार को घायल कर चार बदमाशों ने की थी। बिहार के मुंगेर में बदमाशों ने एक व्यक्ति की हत्या की, एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के नागौर में TC मांगने पर 9वीं के छात्र से बेरहमी, निजी स्कूल प्रशासन पर जंजीर से बांधकर पीटने का आरोप। मुंबई में BJP अध्यक्ष अमित शाह ने लालबाग के राजा के दर्शन किए, काफी भीड़ के बीच पहुंचे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भक्ति के रंग में नजर आए, लालबाग के राजा के दर्शन किए। मुंबई में 300 किलो बर्फ से बप्पा की मूर्ति बनाई गई, एंटरटेनमेंट पार्क में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। तीसरे वनडे में भी बुमराह की शानदार गेंदबाजी, श्रीलंका के 5 विकेट लिए। म्यांमार में भड़की हिंसा, हमले में 5 पुलिस अधिकारियों समेत 25 के मारे जाने की खबर। काबुल में शिया मस्जिद पर हमले में मारे गए लोगों की संख्या 28 हुई, हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यमन पर हुए हमले को लेकर सऊदी अरब की सफाई, हमले को तकनीकी भूल बताया, हवाई हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। ब्राजील के नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 41 हुई, राहत टीम ने 2 और शवों को निकाला। अमेरिका में टेक्सास तट से टकराया चक्रवाती तूफान हार्वे, पिछले 12 साल में अब तक का सबसे ताकतवर तूफान, 209 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार।